अली वर्दी खान 1740 से 1756 तक बंगाल का नवाब रहा। अंग्रेजों के साथ उसके संबंध ठीक ठाक थे, किंतु उसने अंग्रेजों के खतरे को भांपते हुए कभी भी अंग्रेजों को किलाबंदी करने की इजाज़त नहीं दी। अली ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और बोला, यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वे शहद देंगे, किंतु यदि उन्हें छेड़ा गया तो वे काट काट कर मार डालेंगे। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई। अली वर्दी खां की बड़ी बेटी घसीटी बेगम ने अपनी बहन के बेटे को नवाब बनाने की कोशिश की, किंतु वह विफल रही और अली वर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अंग्रेज सिराजुद्दौला नाम का सही उच्चारण ना कर पाने के कारण उसे सर रोजर डॉबलेट कहते थे। इस समय तक भारत में मुगलों की पकड़ कमजोर पड़ चुकी थी। मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में बिना चुंगी महसूल दिए व्यापार करने की आज्ञा दे दी थी। इस आज्ञा पत्र का सरेआम दुरुपयोग होता, जिससे राज्य की बड़ी हानि होती थी। अली वर्दी खां ने मरने से पहले सिराजुद्दौला को नसीहत दी थी कि वह अंग्रेजों पर नजर रखें और उन्हें किले बनाने या सेना रखने की आज्ञा ना दे। सिराजुद्दौला ने अपने नाना की इस बात को गंभीरता से लिया था। जब अंग्रेजों ने वर्तमान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कस्बे कासिम बाजार में किलेबंदी कर ली तो सिराजुद्दौला बहुत नाराज हुआ। उसने कासिम बाजार के मुखिया को बुलाकर कहा, यदि अंग्रेज शांत व्यापारियों की तरह देश में रहना चाहते हैं तो खुशी से रहें, लेकिन सूबे के हाकिम की हैसियत से मेरा यह हुक्म है कि वे उन सब किलों को तुरंत तुड़वा कर बराबर कर दें जो उन्होंने हाल ही में बिना मेरी आज्ञा के बनवा लिए हैं। नवाब की इस चेतावनी का अंग्रेजों पर कोई असर ना हुआ, अतः क्रुद्ध होकर नवाब ने कासिम बाजार में सेना भेज दी। सेना के पहुंचते ही अंग्रेज एक एक कर डर कर भागने लगे। इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स भी कासिम बाजार में ही था, जो कि बाद में चलकर पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना। वॉरेन हेस्टिंग्स भी भागकर अपने दीवान कांता बाबू के घर में छिप गया। कई दिनों नवाब की सेनाएं किले को घेरे खड़ी रहीं, किंतु उन्होंने आक्रमण नहीं किया। उस छोटे से किले को गिराना ज़्यादा देर का काम ना था, किंतु नवाब का इरादा कुछ और था। आखिरकार अंग्रेजों ने हिम्मत कर डॉक्टर फोर्थ को दूध बनाकर नवाब के पास भेजा। उमर बेग ने फोर्थ को बताया, घबराओ मत, नवाब का इरादा खून खराबे का नहीं है। आपके प्रधान को नवाब के दरबार में एक मुचलका लिखकर देना होगा और उसे अगर वे राजी से ना लिखेंगे तो उनसे ज़बरदस्ती लिखाया जाएगा। अंग्रेजों ने लिख भेजा, नवाब की जो भी आज्ञा है वही किया जाएगा। नवाब की ओर से पत्र का उत्तर मिला, किले की चार दीवारी गिरा दो, बस यही नवाब की इच्छा है। और नवाब को जल्द ही मालूम चला कि अंग्रेज मुचलके की शर्तों को नहीं मानेंगे। इससे नवाब बड़ा रुष्ट हुआ और वह स्वयं सेना के साथ चलकर दंड देने की तैयारी करने लगा। जब इस बात की खबर अंग्रेजों को लगी तो कलकत्ता में तत्कालीन गवर्नर ड्रेक बचाव के लिए सैन्य बंदोबस्त करने लगा। नवाब को भनक थी कि उसके कई सरदार उसके स्वयं के विरोधी हैं। वे बार बार उसे कलकत्ता ना जाने की सलाह देते थे, क्योंकि प्रायः वे स्वयं रिश्वत लिए हुए बैठे थे, किंतु इस बार नवाब ने किसी की ना सुनी। उसे जिस जिस पर संदेह हुआ उसे भी अपने साथ ले लिया, जिससे उसके पीठ पीछे उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रच सके। मीर जाफर, जगत सेठ व मानिक चंद आदि को भी मन मार कर नवाब के साथ जाना पड़ा। 7 जून को जब नवाब के आने की खबर कलकत्ता पहुंची तो नगर में हलचल मच गई। अंग्रेजों ने भी लड़ाई की तैयारी शुरू की। किले में अनेक तोपें लगा दी गईं। जल मार्ग सुरक्षित करने के लिए बाग बाजार वाली खाई में लड़ाई के जहाज लगा दिए। लगभग 1500 सिपाही खाई के बराबर खड़े किए गए। डचों व जिन फ्रांसीसी शत्रुओं के भय से किला बनाने का बहाना किया गया था उन दोनों से मदद मांगी गई। डचों ने सीधे मदद से इनकार कर दिया, परंतु फ्रेंच ने जवाब दिया,
यदि अंग्रेजी शेर प्राणों के लिए बहुत ही भयभीत हो रहे हैं तो वे फौरन ही बिना किसी रोक टोक के चंदन नगर में हमारा आश्रय लें। आश्रितों की प्राण रक्षा हेतु फ्रांसीसी वीर सिपाही अपने प्राण देने में तनिक भी कातर न होंगे। ऐसा उत्तर पाकर अंग्रेज को फ्रांसीसियों पर बड़ी खीज हुई। उसी समय कलकत्ते में एक बहुत बड़ा व्यापारी अमीचंद रहता था। वह कोई मामूली सौदागर ना था, बल्कि राजाओं की भांति बड़ी शान शौकत से रहता था। नवाब के दरबार में उसका बहुत आदर था। जिस समय नवाब की सेना कलकत्ता आ रही थी तो अमीचंद के मित्र राजा राम सिंह ने गुप्त रूप से एक पत्र लिखकर अमीचंद को चिता दिया कि तुम सुरक्षित स्थान पर चले जाओ तो अच्छा है, किंतु यह पत्र अंग्रेजों के हाथ लग गया। बस इसी अपराध पर अंग्रेजों ने अमीचंद को कैद कर लिया। नवाब हुगली तक आ पहुंचा। डच व फ्रांसीसी सौदागरों ने नवाब से निवेदन किया कि यूरोप में अंग्रेजों से संधि होने के कारण वे इस लड़ाई में भाग नहीं ले सकते हैं। नवाब ने उनकी इस बात को स्वीकार कर उनसे गोला बारूद की सहायता ले उन्हें विदा किया। उधर अंग्रेजों ने भी नवाब से लोहा लेने के लिए फोर्ट विलियम किले में तैयारी शुरू की। 18 जून को नवाब ने किले पर तोपों से हमला शुरू किया। जवाब में अंग्रेजों ने भी गोलाबारी शुरू की। देखते ही देखते अंग्रेजों की हालत खराब होने लगी। कलकत्ता के अंग्रेजों के स्वामी हॉलवेल व मोर्चे के कप्तान क्लेटन किले के अंदर भाग गए। मोर्चे नवाबी सेना के कब्जे में आ गए। अब उन्हीं की तोपों से किले पर गोले बरसने लगे। किले के नीचे गंगा नदी में कुछ नाव व जहाज तैयार थे। उनके द्वारा स्त्रियों को शाम को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। बड़ी कठिनता से रात को लगभग 2 बजे किले के अंदर बचे लोग एकत्रित हुए। बही खाता समेट कर भाग जाना निश्चित हुआ। प्रातःकाल भागने का एक गुप्त दरवाजा खोला गया। नावों पर बैठने की छीना झपटी में कोलाहल मच गया। नवाबी सेना को भनक लग गई और उसने नावों पर तीर व गोले बरसाने शुरू कर दिए। पर फिर भी गवर्नर ड्रेक, सेनापति मंचन इत्यादि बड़े आदमी इस तरह से भाग निकले। अब कलकत्ते के जमींदार हॉलवेल ही किले में मुखिया रह गए। हार कर हॉलवेल अपने पुराने सहायक अमीचंद की शरण में गया, जो उसी के कैदखाने में बंदी पड़ा था। अमीचंद मान गया। उसने नवाब के सेनानायक मानिकचंद को एक पत्र इस आशय में लिखा, अब नहीं, काफ़ी शिक्षा मिल गई है, नवाब की जो आज्ञा होगी अंग्रेज वही करेंगे। यह पत्र हॉलवेल ने 4 दीवारी पर खड़े होकर बाहर फेंक दिया, पर इसका कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं वह पत्र नवाब को मिला भी था या नहीं। एकाएक किले का पश्चिमी दरवाज़ा तोड़कर नवाबी सेना किले में घुस आई। इसके बाद अंग्रेज कैदियों को बांधकर नवाब के सामने लाया गया। हॉलवेल को बंदी बनाकर मुर्शिदाबाद भेज दिया गया। हॉलवेल ने आत्मसमर्पण से पहले की रात्रि को होने वाली एक घटना को प्रचारित किया, जिसे ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। हॉलवेल ने प्रचारित किया कि नवाब ने 146 अंग्रेज उस दिन रात को 18 फुट आयतन की कोठरी में बंद करवा दिए, जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी और जिसमें लोहे के छड़ लगे हुए थे। प्रातःकाल जब दरवाज़ा खोला गया तो सिर्फ 23 आदमी ही जिंदा बचे। काल कोठरी की यह बात इतनी प्रसिद्ध हुई कि समस्त भारत और इंग्लैंड का बच्चा बच्चा इस बात को जान गया। पर क्या यह बात सच थी? क्या सचमुच ऐसा हुआ था? 18 फुट की कोठरी में भला 146 आदमियों को किस तरह से भरा जा सकता है? यह असंभव सा है। इस घटना का जिक्र ना तो किसी अन्य लेखक ने किया है और ना ही कंपनियों के कागज में ही इसका जिक्र है। क्लाइव ने नवाब को पद से हटाने पर टॉप डायरेक्टर्स को नवाब के अत्याचारों से परिपूर्ण जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी काल कोठरी का जिक्र नहीं है। अतः इस घटना की ऐतिहासिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। अधिकांश इतिहासकार भी इस घटना को संदिग्ध मानते हैं। इतिहासकार J.H. लिटिल के अनुसार हॉलवेल व उनके सहयोगियों ने इस झूठी घटना का अनुमोदन किया था और इस मनगढ़ंत कथा को रचने का षड्यंत्र किया था। इस तरह शायद ही ऐसा कुछ हुआ था, किंतु अंग्रेजी राज्य में इस कल्पित काल कोठरी की यातना प्रत्येक जेल में प्रत्येक कैदी को भुगतनी पड़ती थी।
हॉलवेल पहले डॉक्टर था और अंग्रेजों की कंपनी से इसे 600 रुपये तनख्वाह मिलती थी। प्लासी के युद्ध में इसने मीर जाफर से घूस 1,00,000 रुपया लिया था। बाद में मीर जाफर पर ही इसने झूठा आरोप लगाकर गद्दी से हटा दिया था। यह कुछ समय तक कलकत्ता का गवर्नर भी रहा था। इस तरह हॉलवेल भी मीर जाफर की तरह धूर्त था। कलकत्ता पर विजय के बाद नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का शासन भार राजा मानिक चंद को सौंप दिया। नवाब राजधानी लौट गया। अंग्रेज कलकत्ता वापस आए। अमी चंद की सहायता के चलते उन्हें कलकत्ता में सहारा मिला। धीरे धीरे फिर अंग्रेज कलकत्ता में व्यापार करने लगे। लेकिन तभी एक दुर्घटना घटी। एक अंग्रेज सर्जन ने एक मुस्लिम की हत्या कर दी, जिस कारण राजा मानिक चंद की आज्ञा से सब अंग्रेज कलकत्ते से बाहर कर दिए गए। अब अंग्रेज निरुपाय होकर फाल्टा पर इकट्ठे होने लगे। इसी बीच कुछ अंग्रेजों ने मद्रास पहुंचकर कलकत्ता की दुर्दशा का हाल उन्हें सुनाया। उधर दूसरी तरफ कलकत्ता में अंग्रेजों ने अनुनय विनय करके मानिक चंद की कृपा दृष्टि प्राप्त कर ली। इधर मद्रास वाले अंग्रेजों ने कलकत्ता की रक्षा का निश्चय किया। कर्नल क्लाइव व एडमिरल वॉटसन ने 600 गोरे व 1500 काले सिपाहियों के साथ कलकत्ता की ओर कूच किया। दूसरी तरफ फाल्टा के अंग्रेजों की विनीत प्रार्थना से नवाब उन्हें फिर से अधिकार देने को राजी हो गया था। पर तभी एकाएक नवाब को खबर लगी कि मद्रास से अंग्रेजों के जहाज, फौज व गोला बारूद लेकर फाल्टा बंदरगाह आ गए हैं। क्लाइव ने नवाब को लिखा, मेरी दक्षिण विजयों की खबर तो आपने सुनी ही होगी। मैं अंग्रेजों के प्रति किए गए आपके व्यवहार का दंड देने आया हूँ। अंग्रेजों ने शीघ्र ही कलकत्ता की ओर कूच किया। गंगा किनारे बजबज नाम का एक छोटा किला था। अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। यही हाल कलकत्ता का भी हुआ। ड्रेक फिर से कलकत्ता का गवर्नर बन गया। इसके बाद अंग्रेजों ने हुगली को लूटा। जब नवाब को हुगली की लूट की खबर मिली तो दोनों के बीच पत्र व्यवहार हुआ और कलकत्ता में वॉटसन व स्कॉफ्टन अंग्रेजों के प्रतिनिधि बनकर नवाब के समक्ष उपस्थित हुए। नवाब ने कहा, मैं तुम्हारे वाणिज्य की रक्षा करना चाहता हूँ और अपने तथा तुम्हारे बीच में संधि स्थापना करना ही मेरा इतना कष्ट उठाने का कारण है। अंग्रेजों ने भी संधि करने हेतु हामी भरी। संधि की शर्तें तय करने के लिए उन दोनों को दोपहर को डेरे में जाने की आज्ञा दी। दरबार बर्खास्त कर दिया गया। नवाब से ईर्ष्या रखने वाले षड्यंत्रकारियों ने जब यह देखा तो उन्होंने एक चाल चली। मानिक चंद ने बड़े शुभचिंतक की तरह उन दोनों अंग्रेजों से कहा, देखते क्या हो, जान बचाना हो तो भाग जाओ, वहां डेरे में तुम्हारी गिरफ्तारी की पूरी पूरी तैयारियां हैं। यह सब नवाब का जाल है। उस दिन रात भर दोनों ने विश्राम नहीं किया। क्लाइव ने रात के अंधेरे में नवाब के पड़ाव पर आक्रमण करने का मन बना लिया। हेस्टिंग भी इसमें शामिल हो गया। वॉटसन ने 600 जहाजी गोरे मांगकर अपनी पैदल सेना में मिलाए और रात के 3 बजे नवाब के पड़ाव पर आक्रमण कर दिया। नवाब के पड़ाव में उस समय 60,000 सिपाही, 10,000 सवार व 40 तोपे थी। अंग्रेजों की बड़ी दुर्गति हुई। क्लाइव की हट धर्मी से 120 अंग्रेज मारे गए। नवाब को एकाएक जब युद्ध का कारण मालूम हुआ तो उसे पता चला कि इस षड्यंत्र में उसका सेनापति मीर जाफर भी लिप्त है। उसने आक्रमण रोकने की आज्ञा दी और अंग्रेजों को फिर संधि के लिए बुला भेजा। नवाब ने अंग्रेजों की इच्छा अनुसार संधि कर ली। संधि को 1 सप्ताह भी ना हुआ था कि अंग्रेज अपने प्रतिद्वंद्वी फ्रांसीसियों को सदा के लिए निकाल देने की तैयारी करने लगे। उन्होंने नवाब को भी इसके लिए राजी करना चाहा, पर वे सफल ना हुए। इसी बीच अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की कॉलोनी चंदरनगर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। नवाब ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उसने अंग्रेजों को यह भी लिखा कि दिल्ली से अब्दाली की सेना मेरे विरुद्ध आ रही है, यदि तुम मेरी मदद अपनी सेना से करोगे तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दूंगा। वॉटसन ने उत्तर में लिखा, यदि आप हमें फ्रांसीसियों को नाश करने की आज्ञा दें तो हम आपकी सहायता अपनी सेना से कर सकते हैं। इस बार नवाब सिराजुद्दौला असमंजस की स्थिति में पड़ गया। उसने वॉटसन को कुछ जवाब ना देकर सैन्य संग्रह करने की तैयारियां शुरू की।
और अंग्रेजों ने 7 मार्च को फ्रांसीसी कॉलोनी चंदर नगर पर डेरा डाल दिया। फ्रांसीसियों ने किले की रक्षा का प्रबंध किया था। पास ही महाराज नंद कुमार की अध्यक्षता में सेना चाक चौबंद उनकी रक्षा के लिए खड़ी थी। क्लाइव ने नंद कुमार को बहला फुसलाकर अपनी ओर मिला लिया। मुट्ठी भर फ्रांसीसी सैनिकों ने 23 तारीख तक किले की रक्षा की, परंतु बाद में उनका पतन हो गया। कुछ फ्रांसीसी किसी तरह प्राण बचाकर मुर्शिदाबाद पहुंचे। नवाब ने उन्हें शरण दी। जब अंग्रेजों को यह पता चला कि नवाब ने फ्रांसीसियों की सहायता की है, तो वह उस पर बहुत बिगड़े और युद्ध की धमकी दे डाली। नवाब ने कुछ जवाब ना दिया। चंदर नगर पर अधिकार होते ही क्लाइव ने सबको समझा दिया कि अब हमें नवाब को भी गद्दी से उतारना होगा। क्लाइव ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रचने का कार्य शुरू किया। अंग्रेजों ने गहरी चाल चली। घूस की मदद से नवाब के उमराओं द्वारा यह बात नवाब से कहलाई कि फ्रांसीसियों के कासिम बाजार में रहने से शांति भंग होने की आशंका है, आप इन्हें पटना भेज दें। नवाब ने यह बात मानकर फ्रेंच सेनापति लॉस को पटना जाने का हुक्म दिया। नवाब को ख्याल था कि फ्रांसीसियों को कासिम बाजार से हटा देने पर अंग्रेज संतुष्ट हो जाएंगे, किंतु जब नवाब ने सुना कि फ्रांसीसियों को समाप्त करने अंग्रेज फौज पटना जा रही है, तो उसने क्रोध में वॉटसन को कहला भेजा, या तो इसी समय फ्रांसीसियों का पीछा ना करने का मुचलका लिख दो, वरना इसी समय राजधानी त्याग कर चले जाओ। यह खबर पाकर ही वॉटसन ने गोला बारूद व सैनिकों के साथ 7 नावों को लेकर क्लाइव को कलकत्ता रवाना कर दिया और नवाब को अंतिम पत्र में लिखा, एक भी फ्रांसीसी के जिंदा रहते अंग्रेज शांत ना होंगे। हम कासिम बाजार को फौज भेजते हैं और शीघ्र ही फ्रांसीसियों को बांध लाने को पटना फौज भेजी जाएगी। इन सब कामों में आपको अंग्रेजों की सहायता करनी पड़ेगी। नवाब ने मानिक चंद को अपराधी पाकर कैद कर लिया, किंतु बाद में अनुनय विनय करने पर 10 लाख रुपए लेकर उसे छोड़ दिया। उसके छूटने से षड्यंत्र की जड़ें जमी। नवाब के खिलाफ जगत सेठ, मीर जाफर, मानिक चंद, अमी चंद इत्यादि एक हो गए। मीर जाफर ने अंग्रेजों को खबर भिजवाई कि यदि अंग्रेज उसे नवाब बनाने का वायदा करें तो वह उनकी मदद करेगा। क्लाइव जब कलकत्ता पहुंचा तो मीर जाफर ने क्लाइव को सलाह दी कि उसे लौट जाना चाहिए। नवाब जल्द ही पटना की तरफ अहमद शाह अब्दाली की फौज से लड़ने को कूच करेगा, तब राजधानी पर हमला करना अच्छा होगा। क्लाइव तत्काल लौट गया और नवाब को अंग्रेजों ने लिखा, हम तो सेना लौटा लाए, अब आपने प्लासी में क्यों छावनी डाल रखी है। जो दूत इस पत्र को लेकर गया वह वॉटसन के लिए एक चिट्ठी भी ले गया, जिसमें लिखा था, मीर जाफर से कहना घबराए नहीं, मैं ऐसे 5,000 सिपाहियों को लेकर उसके पक्ष में आ मिलूंगा जिन्होंने कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई। किंतु मीर जाफर के इन मसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि अब्दाली वहां आया ही नहीं, इसलिए नवाब को पटना जाना ही नहीं पड़ा। नवाब ने ज्यों की त्यों प्लासी में छावनी डाले रखी और मीर जाफर को 15,000 की सेना लेकर प्लासी में रहने का हुक्म दिया। इधर मीर जाफर से एक गुप्त संधि पत्र लिखाकर 17 मई को कलकत्ते में उस पर विचार हुआ। इस संधि पत्र में 1 करोड़ रुपया कंपनी को, 10 लाख कलकत्ते के अंग्रेजों, अरमानी व बंगालियों को, 30 लाख अमी चंद को देने का मीर जाफर ने वादा किया था। असल में राजकोष में इतना रुपया था ही नहीं, पर परवाह किसे थी। मसौदा भेजते समय वॉटसन ने लिखा, अमी चंद जो मांगता है वही मंजूर करना, वरना सब भांडा फोड़ हो जाएगा। पहले तो अमी चंद को मारने की योजना बनाई गई, पर फिर क्लाइव ने एक युक्ति निकाली। उसने 2 दस्तावेज लिखाए, एक असली और दूसरा जाली, लाल कागज पर। इसी जाली कागज पर अमी चंद की रकम चढ़ाई गई थी, असली पर उसका जिक्र ना था। वॉटसन ने जाली कागज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, तो क्लाइव ने वॉटसन के भी जाली हस्ताक्षर बना डाले। मीर जाफर ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। सिराजुद्दौला को मीर जाफर के साथ हुई संधि का पता चल गया। 12 जून को अंग्रेजों की फौज चली। रास्ते में हुगली, काटोया, अग्रद्वीप व पलासी की छावनियों में नवाब की काफ़ी फौज पड़ी थी,
पर अंग्रेजों ने उन सबको खरीद लिया। उधर दूसरी ओर सिराजुद्दौला ने सब जानकर भी मीर जाफर को महल में बुला भेजा, पर वह नहीं आया तो नवाब स्वयं उसके घर आ पहुंचा। मीर जाफर को अब नवाब से मिलना पड़ा। उसने कुरान उठाई और सिर से लगाकर ईश्वर व पैगंबर की कसम खाकर अंग्रेजों से संबंध तोड़कर नवाब की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली। नवाब ने मीर जाफर को प्रधान सेनापति बनाया। यार लतीफ खां राय, दुर्लभ मीर मदन मोहन लाल व फ्रेंच सिंफ्रे को एक एक विभाग का सेनाध्यक्ष बनाया गया। इन सबके बावजूद मीर जाफर ने क्लाइव को लिख भेजा, बढ़े चले आओ, मैं अपने वचनों का वैसा ही पक्का हूँ। 22 जून को गंगा पार कर मीर जाफर के बनाए संकेतों पर क्लाइव आगे बढ़ा और रात्रि के 2 बजे प्लासी के लक्खी बाग में मोर्चा जमाया। नवाब का पड़ाव उसके नज़दीक ही तेज नगर वाले विस्तृत मैदान में था। रात बीती, सुबह हुई, अंग्रेजों ने बाग के उत्तर की ओर एक खुली जगह में व्यू रचना की। नवाब की सेना मीर जाफर राय, दुर्लभ व यार लतीफ खां की अध्यक्षता में अर्धचंद्राकार व्यूह रचना करके बाग को घेरने के लिए बढ़ी। अंग्रेज क्षण भर घबराए, पर सामने जब पहले से बिके हुए सेना नायकों को देखा तो उन्हें धैर्य हुआ। नवाब की सेना के एक पार्श्व में फ्रेंच सेनापति सिंफ्रे, एक में मोहनलाल और उनके बीच में मीर मदन था। 23 जून 1757 को प्रातः 8 बजे मीर मदन ने तोपों में आग लगाई। दोनों तरफ से गोले बारी शुरू हुई। आधे घंटे में 10 गोरे व 20 काले आदमी मर गए। क्लाइव की सेना के पीछे हटना पड़ा। उसकी फौज ने बाग के पेड़ों का आश्रय लिया। वे छिप कर गोले दागने लगे। उधर दूसरी तरफ मीर मदन की तोपें तड़ातड़ गोले दाग रही थी। यह देखकर क्लाइव घबरा गया। उसने अमीचंद से क्रोधित होकर कहा, ऐसा ही वायदा था कि मामूली लड़ाई लड़कर शाही फौज भाग खड़ी होगी, ये सब बातें झूठी हो रही हैं। अमीचंद ने कहा, सिर्फ मीर मदन व मोहन लाल ही लड़ रहे हैं, ये नवाब के सच्चे सहायक हैं, किसी तरह इन्हें हराइए, दूसरा कोई सेनापति हथियार न चलाएगा। मीर मदन वीरतापूर्वक युद्ध कर रहा था। उस समय अगर मीर जाफर की सेना उसका साथ देती तो अंग्रेजों की पराजय निश्चित थी, किंतु ये तीनों तमाशा देखते रहे। क्लाइव ने 12 बजे मीटिंग कर निश्चय किया कि दिन भर बाग में छिपे रहकर ही किसी तरह प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। इतने में ही एकाएक वहाँ पानी बरसने लगा। मीर मदन का बहुत सा बारूद भीग गया, फिर भी वह वीरतापूर्वक भागी हुई सेना का पीछा कर रहा था। तभी एक गोला उसकी जांघों में आकर लगा और वह घायल हो जमीन पर गिर पड़ा। मैदान में अब मोहन लाल ने मोर्चा संभाला। मीर मदन को लोग हाथों हाथ उठाकर नवाब के पास ले गए। उसने नवाब से कहा, शत्रु बाग में भाग गए, फिर भी आपका कोई सरदार नहीं लड़ता, सब खड़े तमाशा देखते हैं। इतना कहते ही उसने दम तोड़ दिया। मीर मदन की मृत्यु से नवाब को काफ़ी दुख हुआ। उसने मीर जाफर को बुलाया। उसके आते ही नवाब ने अपना मुकुट मीर जाफर के सामने रखकर कहा, मीर जाफर, जो हो गया सो हो गया, अली वर्दी के इस मुकुट को अब तुम सच्चे मुसलमान की तरह बचाओ। मीर जाफर ने कहा, अवश्य ही मैं शत्रु पर विजय प्राप्त करूंगा, पर अब शाम हो गई है और फौजें थक गई हैं, सवेरे मैं कयामत वर्षा कर दूंगा। नवाब ने कहा, अंग्रेजी फौज रात को आक्रमण करके क्या सर्वनाश न कर देगी? मीर जाफर ने गर्व से कहा, फिर हम किस लिए हैं? नवाब उसकी बातों में आ गया। उसने फौजों को पड़ाव से लौटने की आज्ञा दे दी। उस समय मोहन लाल वीरतापूर्वक युद्ध कर रहा था। उसने नवाब को कहला भेजा, बस अब 2-4 घड़ी में ही लड़ाई का खात्मा हो जाएगा, यह समय पीछे हटने का नहीं है। मोहन लाल का यह जवाब सुनकर मीर जाफर डर गया। उसने नवाब को पट्टी पढ़ाकर फिर आज्ञा भिजवाई। मोहन लाल क्या करता, क्रोध से लाल होकर कतारें बांध पड़ाव को लौट आया। मीर जाफर की इच्छा पूरी हुई। उसने क्लाइव को लिखा, मीर मदन मर गया, अब छिपने का कोई काम नहीं, इच्छा हो तो इसी समय
वरना रात को आक्रमण करो, सारा काम बन जाएगा। मोहनलाल को पीछे फिरता देख व मीर जाफर का इशारा पाकर क्लाइव अपनी सेना को बाग से निकालकर आगे बढ़ने लगा। मोहनलाल और सिनफ्रे फिर लड़ने के लिए तैयार हुए। इधर दुर्लभ राय ने नवाब को आकर झूठी खबर दी कि आपकी फौज भाग रही है, आप भागकर प्राण बचाइए। नवाब 2000 सवारों के साथ हाथी पर सवार हो रणक्षेत्र छोड़ गया। तीसरे पहर तक मोहनलाल व सिनफ्रे लड़े, फिर विश्वासघातियों से खींचकर उन्होंने भी रणभूमि छोड़ दी। नवाब के खेमे पर क्लाइव ने अधिकार कर लिया। जिस सेना ने इस युद्ध में विजय पाई उसके झंडे पर समानार्थ प्लासी लिख दिया गया और उस बाग के एक आम के वृक्ष की लकड़ी का एक संदूक बनाकर अंग्रेजों ने महारानी को भेंट किया। आज भी इस स्थान पर एक जय स्तंभ खड़ा है। राजधानी में नवाब के पहुंचने से पहले ही नवाब के हारने की खबर सर्वत्र फैल गई। अंग्रेजों की लूट के डर से वहां अफरा तफरी मच गई। देखा देखी सभी महल छोड़कर भागने लगे। अब सिराजुद्दौला ने स्वयं सैन्य संग्रह के लिए गुप्त खजाना खोला। उसने सिपाहियों को प्रसन्न करने व उनके साथ लड़ने के लिए खूब खजाना बांटा, पर सब व्यर्थ हुआ। अंत में वह भी एक पुराने द्वारपाल व बेगम लुत्फुनिसा के साथ भाग निकला। अगले दिन प्रातः ही मीर जाफर ने राजमहल पर अधिकार कर नवाब की खोज शुरू कराई। 29 जून को क्लाइव ने राजधानी में प्रवेश किया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इसके बाद मीर जाफर से कंपनी को जो जो रियायतें चाहिए थीं वह सब पूरी कर ली गईं। उधर शाहपुर के पास मीर कासिम ने नवाब सिराजुद्दौला को पकड़ लिया, उसे बांधकर राजधानी लाया गया। बगावत के डर से मीर जाफर ने अपने पुत्र मीरन को सिराजुद्दौला को मारने का कार्य सौंपा। वध करने का काम मोहम्मद के सुपुर्द हुआ। मोहम्मद ने सिराजुद्दौला के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें एक हाथी पर लदवा कर शहर में घुमाने का हुक्म दिया। क्लाइव से अगले दिन मीर जाफर ने इस बात का जिक्र करके क्षमा मांगी तो क्लाइव ने मुस्कुरा कर कहा, इसके लिए यदि माफ़ी ना मांगी जाती तो भी कुछ हर्ज ना था।